गिव रीजन्स वाई कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील ओके स्टील यूज नहीं करते uh, लेकिन कॉपर यूज करते हैं तो ऐसा क्यों तो देखो सिंपल सिंपल सी बात बता देता हूं मैं अगर हम कॉपर की बात करें तो वो कैसा एलिमेंट है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट सही है कैसा एलिमेंट है लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट और अगर हम लोग स्टील की बात कर रहे हैं स्टील क्या है स्टील पानी के प्रेजेंस में रस्ट हो सकता है इट इज प्रोन टू रस्टिंग इट इज प्रोन टू रस्टिंग मतलब उसका रस्टिंग होने के बहुत सारे चांसेस है स्पेशली स्पेशली इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ठीक है कॉपर कैसा है रिएक्टिव एलिमेंट और स्टील का प्रॉब्लम क्या है पानी के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रस्ट बहुत जल्दी हो जाता है राइट ऊपर से जो थर्मल कंडक्टिविटी है ये तो पहला पॉइंट किसका हो गया करोजन uh, के बारे में ठीक है तो वो एक लिख देते हैं हम लोग करोजन रेजिस्टेंस कॉपर इज ए वेरी लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट स्टील इज प्रोन टू रस्टिंग स्पेशली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड ऑक्सीजन ठीक है तो करोजन रेजिस्टेंट कौन है कॉपर है करेक्ट सेकेंड थर्मल कंडक्टिविटी ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है राइट right? वो कॉपर की बहुत अच्छी है और उससे पानी बहुत अच्छे से गर्म होगा स्टील टैंक्स कॉपर हैज हाई थर्मल कंडक्टिविटी इसका मतलब क्या है कि वो हीट को बहुत अच्छे से कंडक्ट कर लेता है इट हैज अ हाई थर्मल कंडक्टिविटी हीट को बहुत अच्छे से ट्रांसफर कर लेता है एज कंपेयर टू एज कंपेयर टू स्टील और आयन एनहेंस स्टील एंड आयन इसमें स्टील एंड आयन दोनों को घुसेड़ देते हैं हम लोग स्टील एंड आयन हाँ अब ठीक है एज कम्पेयर टू स्टील और आयन एंड हेंस इट इज बेटर टू हीट वॉटर एंड कॉपर सही है उसके अलावा लाइट वेट कॉपर काफी लाइट वेट होता है दैन स्टील कंट्रीब्यूटिंग टू द इज ऑफ मैनुफैक्चरिंग लाइट वेट काफी होता है लाइट वेट हालांकि ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे साइंस के हिसाब से ये दो साइंस के हिसाब से बराबर है ये कैसा है ना लाइट वेट मतलब ये थोड़ा सा जोग्राफी के जैसा हो रहा है ज्योग्रफी का जैसा मिनरल रिसोर्स है वैसा पॉइंट हो रहा है ये बट इफ यू वॉन्ट यू कैन एड दैट पॉइंट कॉपर इज लाइटर दैन स्टील किससे लाइटर है देन स्टील कंट्रीब्यूटिंग टू कंट्रीब्यूटिंग टू ईज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड इंस्टालेशन ऑफ हॉट वाटर टैंक्स ठीक है सो आई होप ये एक पॉइंट क्लियर हो गया थर्ड वाला बायद मेरे हिसाब से तो लिखो ही मत क्योंकि वो कैसे है ना जोग्राफी बेस्ड पॉइंट है साइंस का पॉइंट नहीं है लेकिन अगर हम कमर्शियल वैल्यू देखें बिकॉज देर इज अ रिलेशन बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी राइट तो ये वाला पॉइंट आप टेक्नोलॉजी के अंडर एड करके uh, मतलब यू नो इवन इफ यू एड मार्क्स तो कट नहीं होंगे आपके बिकॉज ये टेक्नोलॉजिकल पॉइंट हो रहा है कि आप Uh, उसको मैन्युफैक्चर के हिसाब से सोच रहे हो करेक्ट तो दीज आर द रीजंस